मॉर्निंग गाइस। सो खाली वाला घर वाला ब्लॉग तो मैं कल बना ही नहीं पाया क्योंकि हम लोग पूरा डे ही बिजी हो गए। मैं आपको फिर भी एक छोटा सा एक रूम वाला टूर दे दूंगा। तो अभी हमारा जो मेन वाला काम है दैट इज़ द अपना होम थिएटर सेटअप, दैट इज़ द अपना मेन एवीआर वाला सेटअप। उसके लिए स्पेस कैसे क्या बना, कैसे क्या प्लानिंग किया, मैं आपको पूरा छोटा 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 डिटेल समझा देता हूँ। ये वो स्पेस जहाँ पे वी हैव टू डू द होल इंस्टॉलेशन, सो दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन प्लानिंग। सो ये जो है दैट इज़ IKEA Habsta, Habsta HAVSTA। सो बेसिकली इसका जो साइज है इट्स परफेक्टली फॉर द 65 सेंटीमीटर्स, बट सिंस आर टी वी 77 तो थोड़ा जस्ट बाहर होकर निकलेगा, यहाँ से थोड़ा निकलेगा, वहाँ से थोड़ा निकलेगा। सो डेस्क का जो सेटअप रहेगा दैट इज़ वेर इट्स गोइंग टू बी Habsta। उसका और भी एक आयता है IKEA का Besta, उसको भी लगा सकते हो। Besta का एक प्रॉब्लम है कि उसके सामने आप ये वाला डोर को नहीं लगा सकते, एंड AVR में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होकर वो पूरा फुल हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वी वेंट फॉर Habsta। Habsta का भी यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट किया गया, जैसे मैंने AVR का लेंथ एंड ब्रेड को पूरा मेजर करके इसको उसी के हिसाब से पीछे के लिए पूरा खोल दिया गया है। पीछे खुला रहेगा तो केबल से उसके पीछे जाएगा। सो फॉर 65 इंच दिस ग्रेट, 77 इंच, 85 इंच के लिए ये नहीं चलेगा, 77 इंच के लिए भी चलेगा। 77 इंच के लिए थोड़ा जस्ट बाहर होकर रहेगा। अभी अपना ये सेंटर चैनल आ गया, सेंटर चैनल को लगा के रख के देखते हैं कितना ऊपर तक आता है। एक बार ओके, तो ये यहाँ तक आएगा तो टीवी हमें इसके जस्ट ऊपर थोड़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। टीवी आ गया, सेंटर चैनल तो उनके पास टॉप में है, उसी ने अमेजोन से ऑर्डर करना पड़ेगा। अमेजोन से इसके अंदर इसका कुछ माउंट्स माउंट्स रहेगा नहीं, इसको एक बार खोलना कुछ आई कैसे। तो ये वाला जो रहेगा स्पेस, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू फिट द अपना ओंक्यू का RG50 एम्पलीफायर, एंड यहाँ पे अपना इंडिया का मेरा पूरा जो ब्लूरे का कलेक्शन है उसको मैं लेके आऊंगा। प्ले स्टेशन एंड ब्लूरे का कलेक्शन यहाँ पे डाल देंगे। उसके सामने उसका कवर रहेगा ना, हाँ बैक साइड ही। साइज होने से इसके जस्ट और थोड़ा ऊपर से वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये जो फ्रंट चैनल है दिस इज़ द 5042, इसका और भी कहता है 404, बट 404 क्लिप्स चल रहता है वो यहाँ तक ही रहता है। तो मेरा वो वाला तो इंडिया में था शायद, बट फॉर दैट वाज सेम इक्विवेलेंट फॉर पॉल। सो इसका अभी दिस दिस टाइम वी वांट फॉर द 504C, इसको एक बार लगाते हैं। उसके बाद यहाँ टीवी के लिए हमें होल भी करना है, तो केवल एरिया ओ ये पूरा मैग्नेट, मैग्नेट दे दीजिए मैग्नेट। पॉल कॉर्डियर हमको लगे हुए उठती था इस बार, ये तो क्लिप्स तो मस्त मैग्नेट दे दिया, ये पूरा मस्त से फिट हो गया। बस फर्स्ट दस पूरा मार्केट मैग्नेट होता वो वाला पॉलिथिन दे दो। तो सेंटर चैनल तो परफेक्टली फिट हो चुका है। अभी 5 बजे अपना रशियन भाई साहब आएंगे, वो अपना एम्पलीफायर लेके आएंगे, फ्रंट वाला चैनल्स लेके आएंगे, सराउंड बैक ले आएंगे, उसके बाद जाके अपना सब ऊपर भी लेके आ जाएंगे। एज पर द प्लान्स आई हैड केप्ट द स्पेस फॉर 2 सब ऊपर, वहाँ एक रहेगा यहाँ एक रहेगा, बट अभी के लिए उनके पास स्टॉक नहीं है, तो वी आर ओनली गोइंग टू कीप 1 सब ऊपर। तो उस तरफ वो रहेगा, फ्रंट चैनल जो रहेगा यहाँ रहेगा। मे बी हम क्या करेंगे, अगर फ्रंट चैनल के बाद थोड़ा स्पेस रहता है मे बी विल पुट द सब ऊपर ओवर हियर, और अपन उस तरफ भी रख सकते हैं बिकॉज वी हैव केप्ट द स्पेस लॉन्ग। एंड यहाँ पे फॉर द फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स, तो ये एक बहुत अच्छा वाला पॉइंट है। फ्लोर स्टैंड स्पीकर्स मैंने डॉल्बी एटमोस वाला वो वाला मैंने सिलेक्ट किया था, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका वॉल में हाइट बहुत ज़्यादा है देन वो वाला स्पीकर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि डॉल्बी एटमोस के लिए आपको रिफ्लेक्ट करके उसके कान पे आना चाहिए। अभी वो रिफ्लेक्ट करके आपके कान के पास पहुँचते पहुँचते वो इको हो जाएगा बहुत ज़्यादा है। तो इन द लास्ट मोमेंट हैव टू चेंज दैट फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमोस वाला था, वी हैव टू गो फॉर द फ्रंट फायरिंग फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर, तो वो फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर आ जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ तो मेरे को नहीं लगता हाइट में और कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि हाइट अगर करेंगे तो हमें फिर से फॉल्स सीलिंग करके नीचे लाना पड़ेगा, उसमें फिर 4 डॉल्बी एटमोस लगाना पड़ेगा, वो बाद में कभी देखेंगे अगर हो पाएगा तो। बट अभी के लिए विल जस्ट हैव 2 बुकशेल्फ स्पीकर्स ओवर हियर एंड हियर, बाद में अपन बुकशेल्फ्स के ऊपर अपन एक लगा सकते हैं। यहाँ पे एक डॉल्बी एटमोस अगर स्पीकर लगाते हैं वो वहाँ से फायर करेगा, एंड अगर यहाँ से लगाते हैं वो थोड़ा ऊपर हाइट हो जाए तो ये वाला साउंड गलत पहुँचेगा एंड ये वाला साउंड भी गलत पहुँचेगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज एग्जैक्टली नॉट द सेम। सो ओनली बुकशेल्फ यहाँ एक रहेगा वहाँ एक रहेगा, एंड वायरिंग के लिए वी आर यूजिंग
एक नॉर्ड कैप का वायर जाएगा, वो नीचे से पूरा ऐसे होकर जाएगा। इस लास्ट पर हम लोग इंडिया में यहाँ से लेके आए तो यहाँ से वो ऐसे उठ के हमें एक उठेगी एंट्री ना, आप बेटा में कोणा कर देते डी एल एफ रहे। तो यहाँ पे एक बार हमने एक ऑफिस में तो हमने यहाँ पे होल पूरा करके पूरा वायर लेके गए थे, दूसरे टाइम हम लोग इसके ऊपर ही लेके गए थे, उसके ऊपर मैट दिए थे। बट इस टाइम हम क्या करेंगे, वहाँ से एंड में लेंगे, यहाँ से एंड में लेंगे, यहाँ से छिपा के यहाँ ले लेंगे, नेक्स्ट केबल अपना वहाँ बन जाएगा। तो केबल तो कोई इशू नहीं है। और एक भी आता है फ्लैट केबल्स, फ्लैट केबल्स भी लगा सकते, बट फ्लैट केबल्स का एक प्रॉब्लम है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो पावर रहता है वो मिस हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पतला वाला केबल रहता है। जो मोटा वाला केबल लगे बट वो छिप के पूरा साइड से जाएगा। सब ऊपर हो गया, फ्लोर स्टैंडिंग हो गया। एंड इस बार आई हैव नॉट गॉन फॉर द डेनॉन वाला अपना एम्पलीफायर, डेनॉन एम्पलीफायर। इंडिया में हमने वही 4 या 5 साल का उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसको हमने भेजे थे, फिर वारंटी भी नहीं, क्लेम नहीं हुआ, बहुत पैसा लग गया उसको रिपेयर करने में। तो इस बार आएगा अपना ओंकियो का RZ50 विच हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट एम्पलीफायर फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो वो आ जाएगा। उसके बाद पूरा ये चीज़ को अपन कनेक्ट करेंगे प्ले स्टेशन के साथ, Apple TV के साथ एंड द LG OLED, ये तीनों का कैलकुलेशन मैंने उनको बोला है कि रशियन भाई साहब को बोला है कि आप शाम के 5 बजे हमारा जितना काम है वो सब खत्म करें, आप आओगे तो मेरे को पूरा बैठना ही पड़ेगा, वो आने के बाद पूरा सेटअप होगा देना है चोरी। चलो TV has been installed as well, TV भी लग गया पर परफेक्ट है। इसके लिए अभी अपने को केबल वाला जो रहता है केबल हाइडर वो लाना पड़ेगा, इसको लगाएंगे। एंड ये वाला जो LED है वो इसके पीछे लग जाएगा। TV के पीछे ऑलरेडी फिलिप्स व्यू लग चुका है, यहाँ नीचे में फिलिप्स व्यू लगा एंड ये वाला भी यहाँ पीछे में लग जाएगा। परफेक्ट, अभी खाली अपना AVR वाला सेटअप करना बाकी है। এটা কোন জিনিস ওটা এমপ্লিফায়ার সেমন গুলো কোঠিবে নি দেখি কি এটা টিকে টিকে পড়িলে জোর করি গলা সেমন কুসনে রক্ষিয়া কথা ইনস্টল করিবা কেতলে উল্টি কি পড়িথিব নো নো হ সেটা উঠাই পারিও সেটা বহুত ওজন तो अपना सारा सामान आ गया, अपना ओंकियो RZ50 आ गया। ये तो भाई विशालों का है, RP200SW। एक्चुअली मेरे को ऑर्डर करना था 1000, बट मैंने सोचा एक ही बार ऑर्डर करेंगे, सीधा इसी को ही ऑर्डर कर देते हैं। सो दिस हैज बीन ऑर्डर्ड एज वेल। एंड उसके बाद अपना केबल स्टैंड एंड अपना बुकसेल्फ स्पीकर्स एंड ये हो गया अपना फ्लोर स्टैंडिंग। सर वी विल प्लेस इट हियर बिकॉज दैट विल बी आई थिंक वेरी फार, वी कैन जस्ट प्लेस इट हियर। या करेक्ट, यस परफेक्ट। हाँ सर गुड, हमें कर दो एडजस्ट कर दो। फ्रंट्स आ गया, फ्रंट्स में लगा देंगे इस तरफ इस तरफ, ये इधर रह जाएगा, उसके बाद वायरिंग अपना स्टार्ट। चलो अपनी फ्लोर स्टैंडिंग्स भी रेडी।
चलो अभी पोजीशन सेट हो चुका है, लाइट तो बाद में देखेंगे। सेंटर चैलेंज इज प्लेस्ड, अपना फ्लोर स्टैंडिंग इज प्लेस्ड, सब ऊपर इज प्लेस्ड, अपना बैक का बुक्स एंड सिक्स स्पीकर्स दे आर ऑल्सो प्लेस्ड। अभी ओनली वायरिंग किया जाएगा, पीछे से वायर लेके वहाँ पे लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे लेके जाएंगे। परफेक्टो। चलो ये रेडी है, इसको लगाते हैं। ओप्स, यप, परफेक्ट। या मूवी, वी कैन मूव इट अ बिट बैक। या इट विल ये तो या सो इज नॉट कनेक्टेड या HDMI 2 available. HDMI 2.